भाजपा महिला मोर्चा मध्य प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती माया नरोलिया को राज्यसभा सांसद बनाकर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण पर किया कार्य। ये कहना है गायत्री ठाकुर का। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया विधि मान्य राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई। पार्टी द्वारा घोषित सभी 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नरोलिया जी को भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला भोपाल ग्रामीण महामंत्री सुश्री गायत्री ठाकुर एडवोकेट ने माया नरोलिया का प्रदेश कार्यालय पहुंचकर स्वागत कर शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार महिला को 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करते हुए उन्हें लोकसभा और राज्य की विधानसभा में भागीदारी करने का जो अवसर दिया है, उन्हें राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का जो मौका दिया है, यही योजना के साथ माया नरोलिया संसद में महिलाओं के लिए अपनी आवाज को रखेंगी। और उन्होंने कहा कि माया नरोलिया ने मध्य प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद का नेतृत्व करते हुए मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव में और महिलाओं को प्रत्येक बूथ केंद्र पर संगठित करने के लिए हर जिला केंद्र पर अपनी अहम भूमिका के साथ कार्य किया। केंद्र और राज्य सरकार की महिलाएं हितैषी योजनाओं को नीचे तक उतारने का काम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में किया। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।